नमस्ते दोस्तों। मित्रों, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, कन्या के विवाह में विलंब होने पर करें उपाय। इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि आपने हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तु शास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिसे आप उपयोग कर अपने जीवन में सुख और समृद्धि पा सकते हैं। जी हाँ, कुंडली में ग्रहों की दशा खराब होने पर या किसी अन्य कारणों के कारण कुछ कन्याओं का विवाह करने में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं या रिश्ता तय करने में परेशानी होती है। ऐसी स्थितियों को दूर करने के लिए तथा जल्दी विवाह करने के लिए कुछ उपायों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। शीघ्र विवाह के लिए कन्या को सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल व 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करें। यह प्रयोग तब तक करते रहना है जब तक विवाह न हो जाए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो या प्रेम विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें शीघ्र मनपसंद विवाह के लिए श्री कृष्ण के इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। कन्या जब किसी कन्या के विवाह में जाए और यदि वहां पर दुल्हन को मेहंदी लग रही हो तो अविवाहित कन्या कुछ मेहंदी उस दुल्हन के हाथों से लगवा ले। इससे विवाह का मार्ग शीघ्र प्रशस्त होता है। विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाना चाहिए कि उनका मुख घर के अंदर की ओर हो, उन्हें द्वार दिखाई न दे। कन्या को गुरुवार के व्रत रखने चाहिए। यदि व्रत ना रख सके तो इस दिन बृहस्पति देव को चने की दाल और गुड़ चढ़ाना चाहिए। कन्या के विवाह में हो रही देरी को दूर करने के लिए आप इस उपाय को भी अपना सकते हैं। जब भी कन्या के रिश्ते की बात हो या लड़के वाले कन्या को देखने आ रहे हो तो कन्या को हमेशा नए कपड़े पहनाएं। या तब तक करें जब तक कि शादी की बात पक्की ना हो जाए। जिस लड़की की शादी में देरी हो रही हो, उस लड़की को गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और यदि पीले वस्त्र नए हो तो शीघ्र लाभ मिलेगा। ये उपाय 4 हफ्ते तक करना है और किसी भी गुरुवार को पुराने कपड़े ना पहने तो फल जल्दी मिलता है। कई बार लड़की का रिश्ता तो पक्का हो जाता है पर बात शादी तक नहीं हो पाती या कई बार सगाई के बाद भी रिश्ता टूट जाता है, तो ऐसे में लड़की के पिता को रिश्ते की बात करते समय जिस भी कक्ष में बात हो रही हो उस कमरे में बिना चप्पल के प्रवेश करना चाहिए और जूते कमरे के बाईं ओर उतारना चाहिए। तो ये थे मित्रों, कन्या के विवाह में विलंब होने पर करें उपाय।